प्रदेश भर सहित खरगोन जिले में भी खाद की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। इस बात का पता तब चला जब सैकड़ों की तादाद में किसानों की लंबी चौड़ी कतार खाद के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दी। जी हाँ, भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान को खाद के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल खरगोन के उमरखली रोड स्थित मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ द्वारा किसानों को यूरिया खाद वितरित किया जा रहा है, लिहाजा खाद के अभाव में 2 बोरी खाद के लिए अल सुबह से किसान संस्था पहुँचता है तो भीड़ से जद्दोजहद करते दिखाई दिया है। इस दौरान लंबी लंबी कतार में महिलाएं, बच्चे और पुरुष दिखाई दिए। मीडिया से रूबरू किसानों ने बड़े आक्रोश के साथ बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यूरिया खाद का संकट गहराया हुआ है और हम काफ़ी परेशानी में हैं। वहीं संस्था प्रमुख महेंद्र जमरे ने बताया कि एक आधार पर तो 2 बोरी खाद देकर व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और आगामी दिनों में खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा। यूरिया खाद को लेकर सांसद गजेंद्र पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अभी तक खाद का कोई सोई नहीं क्या? और 2 बोरी बताते हैं, देते हैं कहीं थी। 2 बोरी में क्या होता है, कम से कम 3 बोरी मिल जाए फिर भी आप ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुराम। कहाँ रहते हो आप? कुमारखेड़ा। ये बात जरूर है कि कोरोना को लेकर थोड़ी सी समस्या थी, परंतु 2-3 दिन में हमने इस यूरिया और डीएपी को लेकर मैंने उच्च स्तर पर बातचीत करी है और अभी कल भी 2-3 रेक आई है और आज भी 3 रेक लगी हुई है। आने वाले 1 या 2 दिन में हमारे यूरिया डीएपी की पूरी समस्या हल हो जाएगी। ये 3-4 दिन में सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और मिलेगा, ये शिवराज जी की सरकार कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।